उससे लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर 30 से 35 हजार या 50 हजार कर्मचारी और अभियंता जुटे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 30 से 35 हजार है। यहाँ पे 1,75,000 कर्मचारी और अभियंता जुड़े हैं। समझ में नहीं आया कैसे? हमारे बीच में एक सरदार बैठे हुए हैं और एक सरदार 100,000 के बराबर होता है। और एक सरदार 100,000 बहुत से साथी जो आए थे थोड़ा घबरा गए। कल एक ऑर्डर आया था, एक फरमान आया था कि आप अगर यहां आंदोलन में शामिल होंगे तो आपकी सर्विस ब्रेक हो जाएगी, एक दिन ब्रेक हो जाएगी, दो दिन ब्रेक हो जाएगी। मुझे भी फोन आया मेरे सीनियर्स का कि आपकी सर्विस ब्रेक हो जाएगी, आ जाइए। बड़े प्यार मोहब्बत से उन्होंने कहा। हमने थोड़ी देर के लिए सोचा और क्या सोचा वो आपको बताता हूं। मैंने उनको बोला और जो जवाब दिया और जो आपका जवाब होना चाहिए तो मेरा समर्थन करना। मैंने उनको कहा कि 16 लाख छीन लो चाहे 16 लाख ऐसे ऑर्डर, ऐसे फरमान, ऐसे फतवे जारी कर दो, ऐसे ऑर्डर, ऐसे फतवे जारी कर दो, लेकिन अगर हम यहां पे आ चुके हैं तो अपनी ग्रेड पे लेकर ही जाएंगे। मैंने जो बोला समर्थन करना कि स्वर्ण छीन लो चाहे कानों से भैरव गाएंगे, हम अब भी अगर नहीं बोले तो खुद तो क्या मुंह दिखलाएंगे। और मेरे जो साथी खड़े हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपको खड़े होने के लिए पैर दिए हैं तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है, तो प्लीज बैठ जाइए। और सभी आपस में सहयोग बनाए रखें और ये कार्रवाई सी बढ़ता जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी आप पे दादागिरी करे, कोई भी आप पे जबरदस्ती करे, आप सिर्फ यही कहना कि क्या डरना दुनिया भर की बाधाओं से। ये वो समय कि क्या डरना दुनिया भर की बाधाओं से, आप मिलाओ दुनिया के दादाओं से। ये वो समय। और दोस्तों साथियों, बहुत से ऑफिसर, बहुत से CMD, बहुत से डायरेक्टर, बहुत सी मुख्यमंत्री, बहुत सी पता नहीं क्या क्या कोशिश कर रही हैं कि एक अफवाह फैला रही है कि 2400 मिल जाएगी, 4800 नहीं मिलेगी, 4800 मिल जाएगी, 2400 नहीं मिलेगी। यहाँ जब जो मंच बना, ये जो विद्युत संयुक्त कर्मचारी का जो मंच बना जिसमें अभियंता और इंजीनियर साथ आए, तो हमें उनको ये बताने की जरूरत है कि ये साथ इसी बार के लिए नहीं आए, अब ये साथ जन्म भर का है और ये टूटेगा नहीं। पीछे तक भी समर्थन करें, मैं आज चश्मा लगा के नहीं आया तो पता नहीं चल रहा कि लोग बैठे हैं कि गमले रखवा रखे हैं। वो एक बार हाथ दिला के समर्थन करें कि हम सब साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। और हमारे अंदर जुनून ऐसा होना चाहिए कि मुझे याद आ रहा है कि सर फरोखी की तमन्ना देखना है जोर कितना, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आत्मा। अभी से हम क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है सर फरोखी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। दोस्तों अब हम यहां आ चुके हैं तो भूल जाओ, और जो नहीं आए उनको हम लाने की कोशिश करेंगे। और कुछ पंक्ति आप सभी के उत्साह के लिए, और इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है और इस लड़ाई को कैसे हम जीतेंगे उसके लिए कि मत करो परवाह। कोई भी ऑर्डर निकलता है, फरमान निकलता है कि मत करो परवाह कि कोई क्या करेगा, मत करो परवाह कि कोई क्या कहेगा,
इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा, उसको डर ही रहेगा। अगर भाग जाओगे तो मत करो परवाह, कोई क्या कहेगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। और आपने 2006 से लेके और 2018 आके बहुत समय लगा दिया। मैं सबके लिए कहता हूँ कि सब्र का ये बात तुमने पूछ कर किससे बनाया, सब्र का ये बात तुमने पूछ कर किससे बनाया।